नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ मामले हो चुके हैं, यानी कोविड-19 अपने उस रौद्र रूप में है जिसे देख इंसानी जाति की सांसें सचमुच अटक रही हैं। चीन के वुहान से निकली कोरोना महामारी जब यूरोप और अमेरिका पहुंची तो उसके साथ नई शब्दावली भी सामने आई। ये ऐसे शब्द थे जो वैज्ञानिक और प्रशासनिक जगत में तो प्रचलित थे, लेकिन पहली बार आम लोगों का वास्ता इनसे पड़ा और फिर लगातार ऐसा पड़ा कि अब इनके बिना कोरोना की चर्चा ही अधूरी लगती है। ये दुनिया की तमाम भाषाओं के सबसे जरूरी शब्द बन गए हैं। कोरोना काल में चर्चित हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आज भी समझने और उन पर लगातार अमल करने की जरूरत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 24 मार्च की है, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। रात के 8 बजे हमेशा की तरह मित्रों वाला संदेश लेकर आए पीएम ने इस बार देशवासियों से घर के लक्ष्मण रेखा न पार करने की अपील की थी। अपनी बात को सबको समझाने के लिए उन्होंने एक प्ले कार्ड का इस्तेमाल भी किया, जिस पर संदेश लिखा था, कोई रोड पर न निकले, जिसके पहले 3 अक्षरों को जोड़कर सांकेतिक अर्थ कोरोना भी बन रहा था। अब जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर 12 मार्च की है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो से मिले थे। यह मुलाकात थोड़ी अलग थी क्योंकि इस बार ट्रंप ने किसी का स्वागत वेस्टर्न तरीके से हाथ मिलाकर या गले लगाकर नहीं किया, बल्कि भारतीय अभिवादन के तरीकों को अपनाया और नमस्कार करके उनका स्वागत किया था। यह दुनिया के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पुरातन भारतीय तरीके एक परिचय था। यह तस्वीर खूब चर्चा में रही। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है, जो 30 मार्च को जारी हुई थी। जिले में बाहर से आने वाले लोगों को वायरस मुक्त यानी सैनिटाइज करने के लिए उन पर सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल का स्प्रे किया गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने एक साथ लोगों पर केमिकल छिड़का तो थके मांदे लोग सिहर उठे, शरीर और आंखों में खूब जलन हुई, बच्चे बुरी तरह घबरा गए और रोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर दर्द की ये तस्वीर वायरल हुई और यूपी प्रशासन के इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हुई। यह तस्वीर बदलते वक्त की गवाही दे रही है, जिसे अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 18 मार्च को पोस्ट की और लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही ऑफिस का काम करने की अपील की। अमेरिका में 26 जून को 40,870 कोरोना के नए मामले सामने आए। देश के 50 में 16 राज्यों में हालत ज्यादा खराब है। पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश भी ये एक अदृश्य जीव के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हुआ। क्वारंटाइन महामारी की शुरुआत का सबसे चर्चित और जटिल शब्द रहा, जिसे सबने अपने अपने अंदाज में पढ़ा, समझा और अमल किया। यह शब्द इटली के क्वारंटा जियोनी से जन्मा है, जिसका अर्थ है 40 दिन का। 600 साल पहले प्लेग से बचने के लिए इटली ने इसे शुरू किया। खास बात यह है कि भारत में यह तरीका सदियों से चला आ रहा है, जैसे नवजात और माँ को 10 दिन अलग रखना। सभ्य दुनिया में इसे सी पोर्ट और एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किया जाता था, पर अब ये घर घर की कहानी है। क्वारंटाइन से ही मिलता जुलता एक और शब्द है, होम आइसोलेशन, लेकिन दोनों में फर्क है। सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे लोग संक्रमित नहीं होते, वे कोविड-19 जैसे लक्षण दिखने पर सावधानी के लिए खुद को अलग करते हैं। वहीं सेल्फ आइसोलेटेड लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, वो वायरस की रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए अलग होते हैं। जनता कर्फ्यू, यह शब्द मार्च के तीसरे हफ्ते में चर्चा में आया, जब पीएम मोदी ने 22 मार्च को 1 दिन का लॉकडाउन जनता का, जनता के लिए, जनता के हित में लागू किया। शाम को 5 बजते ही पूरा देश तालियों और थालियों की आवाज से गूंज उठा। जो जहां था वो वहीं ठहर गया। झोपड़ी से लेकर महलों तक के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में गजब की एकता दिखाई। उस दिन की यह तस्वीर सबसे चर्चा में रही, जिसमें पीएम मोदी की मां ने थाली बजाकर कोरोना कर्मवीरों का उत्साह बढ़ाया। महामारी से पहले लोग इम्यूनिटी शब्द से वाकिफ थे, लेकिन फरवरी से हार्ड इम्यूनिटी शब्द की चर्चा शुरू हुई। हार्ड इम्यूनिटी में हार्ड शब्द का मतलब झुंड से है और इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। इस तरह हार्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि एक पूरे झुंड या आबादी की बीमारियों से लड़ने की सामूहिक रोग प्रतिरोधक पैदा हो जाना, जैसे चेचक, खसरा और पोलियो के खिलाफ लोगों में हार्ड इम्यूनिटी विकसित हुई थी। इसे अमूमन किसी वैक्सीन की क्षमता परखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के अलग अलग इलाकों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया। इनके अलावा एक कैटेगरी और बनाई गई, कंटेनमेंट जोन की। रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन जिलों के हिसाब से तय किया गया था, जबकि कंटेनमेंट जोन इलाकों के हिसाब से तय होता है। अगर किसी इलाकों में कोरोना का एक पॉजिटिव केस आता है तो क्षेत्र में कॉलोनी, मोहल्ले या वार्ड की सीमा के अंदर कम से कम 400 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाता है। रोज बदलते नियमों के साथ अब ये भी बदल गया है।